हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शाही पनीर कैसे बनाई जाती है। शाही पनीर बनाने के लिए क्या करना है, आपने 1 किलो पनीर, ताजा पनीर ले लीजिए और उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिए। उसके बाद आपने ले लेनी है 250 ग्राम क्रीम, ताजा क्रीम, दूध की निकली हुई ताजा क्रीम अलग से ले लेनी है और रख लेनी है। और साथ में ले लेनी है थोड़ी सी मलाई, दूध से उतरी हुई मलाई, वो भी साथ में रख लेनी है। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई में देसी घी ले लीजिए और उसमें ये पनीर के हैं, जो पनीर के टुकड़े हैं, इसको तल लीजिए। हल्का सा तलना है, ज़्यादा इसको नहीं तलना, ज़्यादा रेड ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का तल के इसको अलग से रख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन सभी को बारीक बारीक काट करके धनिया पाउडर इसको पहले अच्छी तरह डाल के इसको अच्छी तरह भून लीजिए। भूनने के बाद आपने क्या करना है कि जो पैसे बनी पनीर जो कटा हुआ है उसको इसके अंदर डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें पानी डाल दीजिए। पानी में इसको थोड़ा सा पानी डालना है और इसको पकाते रहिए। जब पानी सूख जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि 200 ग्राम दूध इसमें डालना है, 200 ग्राम दूध और डालना है। और डालने के बाद जो क्रीम है और मलाई है ये भी बीच में डाल देनी है और इसको मिलाते रहना है। मिला करके थोड़ा सा रेड ब्राउन होने के बाद इसको निकाल सकते हैं। नमक और मिर्च स्वाद अनुसार जितना भी आप खाना चाहें डाल सकते हैं। आपका बढ़िया शाही पनीर रेसिपी तैयार है, खाइए और झूम जाइए। थैंक यू वेरी मच।